नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ એટ 4। આપની સાથે હું ઝરણા। રાજ્યના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર। ચોમાસા અંગે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આ વર્ષે ખેડૂતોને વાવણી લાયક સારો વરસાદ મળી રહેશે। દેશમાં આ વર્ષે સારો વરસાદ રહેવાનું અનુમાન હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કર્યું છે। આ વર્ષે દેશમાં 103% વરસાદનું અનુમાન લગાવાયું છે। જૂન મહિનામાં ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસશે। જૂનમાં ઘણા વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ પડશે। રાજ્યમાં 1 અને 2 જૂને ગરમીનો પ્રકોપ રહેશે। तो आ वर्षे हवामान विभाग द्वारा जो आगाही करवामां आवी छे ते खेडूतो माटे सारा समाचार लईने आवी छे, कारण के आ वर्षे हवामान विभाग द्वारा सारो वरसाद एटले के सारू चोमासु बेसवानुं अनुमान लगावामां आवी रह्युं छे। सरवाळे खेडूतो माटे एक सारा समाचार, जो वावणी लायक वरसाद थशे तो खेडूतोने फायदो थशे। देशमां आ वर्षे चोमासु सामान्य रहेवानो हवामान विभागे मत व्यक्त कर्यो छे। 99% एवरेज रेनफॉल का फोरकास्ट किया गया था, अभी सेकंड स्टेज फोरकास्ट आ गया है पूरे कंट्री के लिए। पूरे हमारा कंट्री के लिए 103% रिवाइज हुआ है। मोस्टली अच्छा रेन रहेगा पूरे कंट्री और चारों होमोजेनियस रीजन के लिए भी फोरकास्ट दिया गया है, जिससे सेंट्रल इंडिया में हमारा उड़ीसा, एमपी एंड गुजरात भी आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो गुजरात में हवे चोमासु नजीक छे, कारण के देश में चोमासा की विधिवत शुरुआत थई चुकी छे। रविवार सवारे नैऋत्यनु चोमासु केरल में आवी पहुंचता गुजरात ना खेडूतों में खुशी नो माहौल छवायो छे। खेडूतों ने वहली वावणी थवानी आशा बंधाई छे। देश में चोमासु आगळ वधवा माटे हजु पण अनुकूल परिस्थितिओ छे, त्यारे आशा राखवामां आवी रही छे कि गुजरात में पण 15 जून पहला ज चोमासु बेसी शके छे। सामान्य रीते केरल में चोमासु बैठा बाद 15 दिवस में मेघराजा गुजरात में पधरामणी करता होय छे। त्यारे हवामान निष्णांत हमालाल पटेल जणाव्या मुजब गुजरात में 10 जून सुधी में वरसादी झापटा पड़शे। 14 અને 15 જૂન की आसपास सारो वरसाद थशे। जुलाई महीना में ऑगस्ट की शुरुआत में वरसाद सारो रहेशे, तो सप्टेम्बर में थोड़ो ओछो वरसाद पड़वानुं अनुमान छे। वरसाद केटलो पड़शे तेनी पण धारणा हवामान निष्णांत हमालाल पटेले करी छे। चालू वर्षे चोमासानी ऋतु में सौराष्ट्रना दरिया किनारा विस्तारों में 40 इंच जेटलो वरसाद पड़वानुं अनुमान छे, तो दक्षिण विस्तार में 80 થી 100 ઇંચ वरसाद थवानी शक्यता छे। नर्मदा थी सीआर पाटिल संबोधन करी रहा है, सीधा जी त्या।